देहरा विधानसभा क्षेत्र की दरकाटा पंचायत के चेलिया गांव में कच्चा मकान गिर जाने से 16 वर्षीय युवती की मृत्यु हो गई। जब ये मकान गिरा तो उस समय ना ही तो कोई बहुत तेज बारिश हो रही थी और ना ही कोई भूकंप आया था। दरअसल मकान गिरने की वजह इसकी नींव और दीवारों में लग चुकी दीमक थी। लेकिन मकान गिरने की वजह से भी बड़ा सवाल ये है कि किन मजबूरियों में ये बच्ची इस जर्जर मकान में सोने को मजबूर थी। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफी साल पहले इस परिवार को 45,000 की सहायता मिली थी, जिससे जैसे तैसे इन्होंने एक पक्के कमरे का निर्माण करवाया था। लेकिन 7 लोग एक कमरे में कैसे अपना सर ढक पाते, अब सवाल ये है कि किसी पंचायत सचिव, पटवारी, तहसीलदार, BDO, SDM, प्रधान या विधायक के समय रहते इस परिवार पर नजर क्यों नहीं पड़ी। क्या मकान की दीवारों के साथ दीमक इस व्यवस्था को नहीं लग गया है। मृतक के घर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर ने परिवार के प्रति गहरी संवेदनाओं के साथ कहा कि ये दुखद हादसा है, परिवार को हुई क्षति को भर पाना असंभव है। हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसे परिवारों के लिए हैं, लेकिन समय रहते इस परिवार को मकान की मरम्मत के लिए कोई सुविधा क्यों नहीं मिल पाई। इसके लिए वे उपायुक्त महोदय से जांच का निवेदन करेंगे। हमें ये भी देखना होगा कि व्यवस्था में वे कौन सी खाई पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जरूरतमंदों तक ये योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है। उन्होंने कहा कि वे SDM देहरा से निवेदन करते हैं कि वे पंचायत सचिवों, पटवारियों तथा अन्य अधिकारियों से देहरा में सर्वे करवाएं कि ऐसे और कितने जर्जर मकान हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, फिर उन्हें अलग अलग योजनाओं के तहत मदद की जाए ताकि भविष्य में ऐसा किसी और के साथ ना हो। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है। ये एक दुखद हादसा है, परिवार को हुई क्षति को भर पाना असंभव है। हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो समय रहते अगर इस परिवार को मिल जाती तो शायद ये हादसा ना हो पाता। मेरा उपायुक्त महोदय से निवेदन रहेगा कि वो इस बात की जांच करें कि क्यों समय रहते इस परिवार को कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे ये अपनी मकान की मरम्मत नहीं करवा पाए। और इस बात की भी थोड़ी जांच होनी चाहिए कि क्यों इस परिवार को BPL से निकाल दिया गया था। ऐसी कौन सी व्यवस्था में खाई पैदा हो गई है जिसकी वजह से जो सरकार द्वारा जो योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई। मेरा SDM देहरा से भी निवेदन रहेगा कि वो अपने स्तर पे जो हमारे उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे पंचायत स्तर पे पंचायत सचिव हैं, पटवारी हैं और जो बाकी के अधिकारी हैं, उनकी मदद से देहरा में एक सर्वे करवाएं और चिन्हित करें कि ऐसे कितने और मकान हैं जो जर्जर हालत में हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो उन मकानों में रह रहे हैं, ताकि समय रहते उन लोगों तक मदद पहुंच पाए, योजनाओं का लाभ पहुंच पाए और भविष्य में देहरा में कोई ऐसा हादसा ना हो। ये जो हादसा यहाँ पे हुआ है, प्रदेश सरकार ने, हमारी सरकार ने हर संभव मदद इस परिवार की है और कर रही है और आगे भी करेगी।